माइकल पॉइंट ऑनलाइन सर्विस सेंटर, सुभाष नगर रोड, किनवट। की सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। सर, पीने के पानी की? हाँ। अच्छा, पानी नल को आता 3 दिन को 4 दिन को एक बार, लेकिन पानी मिलता सबको, लेकिन है ना, पानी पीने के लायक नहीं है। बाद में तो बाद हालात में ऐसा होता हो मेरे के सामने, जबकि उसके कपड़े भी नहीं धो सकते, उतना गलीस पानी आता, गंदगी। हाँ, ऐसा ही पीने के पानी का इंतजाम हो जाए, जो भी जो मौजूदा सरकार आएंगी, गर्म बाजार बॉडी आएंगी, उन पीने के पानी का इंतजाम करके देना। लाइट इससे पहले जो पोल था वो पोल गिर गया, जिससे बिठाते बोल के आश्वासन दिए, अभी तक नहीं बिठाई। नहीं अभी तक। अच्छा, और नालियों की साफ सफाई की? वो थोड़ा उन्होंने ध्यान दे रहे नहीं सर, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए उन लोगों का। कोई भी आओ, चाहे वो कौन सी भी बॉडी आओ, भी सरपंच आओ, जो भी सरपंच अब आएंगे, अब पानी का इंतजाम कर देना। अब अभी इलेक्शन होने वाला है 18 सितंबर को, तो आप कैसे मेंबर को चुन कर लाएंगे, कैसे मेंबर को वोट देंगे? जो काम कर सकता है उसको देंगे सर। अच्छा, जो पीने के पानी का इंतजाम कर सकता। अच्छा, यहाँ पानी आता नल को, लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं है समझो। लिहाजा बोर मार के पीने के पानी का इंतजाम कर दिया तो गली वाले खुश रह जाते। गंदगी भरे हुए है सब तरह, साफ सफाई, लाइट, नाली, पानी, बस उतना ही। क्या मांगते मेंबर से, बस उतना ही रहता। कौन सा वार्ड है ये? ये वार्ड नंबर 2 है सर। वार्ड नंबर 2। ये हमारी गली है, इधर की इधर रोड नहीं है, 20 साल से हो गया करते बोल रहे, अभी तक रोड नहीं आई। ये रोड की तो हम खूब बोले तो बहुत ज़रूरत है, ये रोड तो होना चाहिए आप हम आप, और नाली भी नहीं है उधर साइड से। तो कई अभी चुनाव होने वाला है, कैसा मेंबर देंगे आप, कैसे मेंबर को वोट देंगे? जो अच्छा काम करेंगे उनको ही देंगे। ऐसा पानी की समस्या, नल की समस्या? पानी की समस्या है, नल की समस्या है, और लाइट की होना। अच्छा, खंबे पे। हाँ, नालियों की साफ सफाई की? इधर रोड तो हो नहीं। अच्छा, रोड के लिए है सर? रोड के लिए है। मेंबर नहीं आते क्या आपके पास? 5 साल में एक ही बार आते क्या? हाँ, वो एक ही बार आते, जब होना चाहिए अभी आते, बात कर लेते और चल जाते। अब कुछ महिला की समस्या रही है तो फिर कहाँ पर जाते आप?